दिसंबर 2022, कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया जो पिछले 100-150 सालों से चर्चा का विषय बना हुआ था। यह कारनामा है एक वॉर्म होल के बनाने का, और वॉर्म होल के बनने के साथ ही टाइम ट्रेवल को लेकर नई नई थ्योरीज फिर से चर्चा में आ गई है। Welcome back. Researchers are one step closer to making science fiction a reality. Spaceships have traveled a baby wormhole and even transmitted. So, it's all about space and time and our understanding of it. So, Albert Einstein. सर आइंस्टीन ने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पेशकश दी, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स के फोर्थ डायमेंशन टाइम के बारे में डिटेल से बताया, जिसे कि उन्होंने स्पेस टाइम कहा है। उन्होंने बताया कि स्पेस टाइम इररिलेटिव नहीं है, बल्कि यह रिलेटिव और अनकॉन्स्टेंट वस्तु है। स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते समय टाइम ट्रेवल जैसी इमेजिनरी थिंग हमें प्रैक्टिकली सच लगने लगी, और इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते करते वॉर्म होल का नया कॉन्सेप्ट सामने आया। वॉर्म होल हमारे यूनिवर्स में स्थित एक ऐसी टनल है जिससे यूनिवर्स के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में बहुत ही कम समय में ट्रेवल किया जा सकता है। हम इसे एक शॉर्टकट की तरह देख सकते हैं, जिसमें यूनिवर्स के दो किन्हीं स्टार्स के बीच की अनंत दूरी को हम बहुत ही कम समय में ट्रेवल कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम वॉर्म होल से जुड़ी हुई टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। रात में जब हम खुले आसमान को देखते हैं तो इसकी अट्रैक्शन में खोने लगते हैं। ये मिलियंस के नंबर में बिखरे हुए स्टार्स जब एक साथ फ्लैश कर रहे होते हैं तो एक ब्यूटीफुल नज़ारा हमारी आंखों में छा जाता है। लेकिन अगर साइंस के नज़रिए से हम इसे देखें तो क्या हम कभी इन स्टार्स तक पहुंच पाएंगे? जवाब आप जानते ही होंगे, इन तारों तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम ट्राई भी करें तो इस सफ़र में करोड़ों सालों का समय लगेगा। पिछले वीडियो में जहां हमने सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता है, यह लिमिटेशन हमें पता चली थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से। साइंटिस्ट के सामने आज सबसे बड़ी पहेली यही थी कि आखिर कैसे इन दूर स्थित तारों तक पहुंचा जा सकेगा। हमारे अर्थ के पास सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य से 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर है। लाइट ईयर वह दूरी होती है जो लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की जाती है, और हम यह भी जानते हैं कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, और जो कि एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर के बराबर है। यह बात तो सबसे नज़दीकी तारे तक पहुंचने की है। हम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को पार करने की शायद अभी सोच भी नहीं सकते। इस स्थिति को आसान करने के लिए आइंस्टीन ने वॉर्म होल के कॉन्सेप्ट को पेश किया। अभी हमने बात की थी कि वॉर्म होल यूनिवर्स में स्थित एक ऐसे होल है जिससे किन्हीं भी दो स्थानों के बीच की दूरी को बहुत कम समय में ट्रेवल किया जा सकता है। वॉर्म होल के अंदर स्पेस और टाइम जैसे डायमेंशन एक हो जाते हैं, और इस वजह से इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाता है, और बहुत ही कम समय में एक बहुत लंबी दूरी को हम तय कर सकते हैं। इस वॉर्म होल के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक पेपर में दो पॉइंट हैं, ए और बी। अगर इनके बीच की दूरी नापने के लिए सबसे छोटा रास्ता चुनने को कहा जाए तो शायद हम इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन खींच देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह गलत तरीका होगा। ए और बी के बीच में सबसे कम दूरी का रास्ता इस पेपर को मोड़ने पर निकलेगा। अगर इस पेपर को हम यूनिवर्स माने और ए और बी को स्पेस टाइम के अंदर दो पॉइंट माने, तब इस सिचुएशन में यूनिवर्स के स्पेस टाइम को फोल्ड करने पर वॉर्म होल हमें दिखाई देगा। साइंटिस्ट की माने तो एक वॉर्म होल को बनाना इतना आसान नहीं है, एक पेपर को मोड़ने जितना तो आसान बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग हमारे सूर्य की जितनी ऊर्जा, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे द्वारा बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में हम इस ऊर्जा को जनरेट कर पाएंगे। हम कैपेबल होंगे एक ऐसी एनर्जी को बनाने में जो इजीली वॉर्म होल को बना पाएगी। जैसे हमने मोबाइल और टेलीफोन को बनाया, सैटेलाइट को बनाया, स्पेस शटल को बनाया, वैसे ही हम कैपेबल हो जाएंगे इस एनर्जी को बनाने में। वॉर्म होल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम इसके इतिहास को समझते हैं। बात 1928 की है। जर्मनी के साइंटिस्ट हरमन बेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेट रेंज के अंदर एनर्जी से रिलेटेड एक थ्योरी दी, जिसे उन्होंने डायमेंशन ट्यूब का नाम दिया था, जो असल में वॉर्म होल जैसा ही एक कॉन्सेप्ट था। आगे इसी थ्योरी से प्रभावित होकर अमेरिकी साइंटिस्ट जॉन व्हीलर और मिसनर ने वॉर्म होल शब्द को अपने रिसर्च पेपर में शामिल किया। इसी रिसर्च पेपर से प्रभावित होकर आइंस्टीन और उनके सहयोगी स्वार्चाइल्ड ने रिलेटिविटी के जरिए बेहतर ढंग से वॉर्म होल के कॉन्सेप्ट को पेश किया। कॉन्सेप्ट के साथ ही हमें ब्लैक होल के साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी डिटेल में समझ आया, जो कि वॉर्म होल था। आइंस्टीन के मन में सवाल आया कि न्यूटन ने जिस गुरुत्वाकर्षण बल की थ्योरी दी, जिससे कि दो वस्तुएं आपस में खींची चली आती है, उसका असल रीजन क्या है। इसका जवाब ढूंढते ढूंढते आइंस्टीन और उनके सहयोगी नॉथन रोसन ने अपने एक रिसर्च पेपर को रिलीज किया, जिसमें वह इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सारा यूनिवर्स एक चादर की तरह है, जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मास के कारण स्पेस को मोड़ रहे हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है,
और ऑब्जेक्ट परिक्रमा कर रहे हैं। जैसा हमारा सोलर सिस्टम में सन के मास के कारण बने हुए कर्व के कारण प्लैनेट उसका चक्कर लगा रहे होते हैं, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि स्पेस में सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो रहा है। इसके साथ साथ आइंस्टीन ने बताया कि हम अगर स्पेस को मोड़ दें, जो कि एक चादर की तरह है, तो हम स्पेस के दूसरे हिस्से तक बहुत आसानी से और बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। वॉर्म होल की सहायता से हम उन प्लैनेट्स पर जा सकेंगे जहां पृथ्वी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ऐसा करने से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइम स्लो हो जाएगा और उस प्लैनेट का एक दिन हमारी अर्थ के कई सालों के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी हम पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तो पृथ्वी में समय को आगे बढ़ा हुआ पाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि हम हमारे फ्यूचर में लैंड करेंगे। टाइम ट्रेवल करने की इससे जुड़ी हुई एक और थ्योरी है जिसे समझना भी जरूरी है। इस थ्योरी का नाम है वॉर्म ड्राइव थ्योरी। वॉर्म ड्राइव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए किसी भी वॉर्म होल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत है एक ऐसे यान की जो प्रकाश की गति से तेज चल सकता है। जब भी हम एक ऐसा यान बना पाएंगे जो प्रकाश की गति से तेज चलेगा, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम स्पेस टाइम को भी अपने साथ मोड़कर आगे बढ़ा लेंगे। और यह थ्योरी थी वॉर्म ड्राइव की थ्योरी। पर आइंस्टीन की माने तो ऐसा करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति से तेज एक ही शर्त में चल सकता है, जब उसका मास जीरो हो, और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल करना फिलहाल तो हमारी साइंस के बस में नहीं है। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक वॉर्म होल पर। वॉर्म होल के बारे में अब तक हम केवल थ्योरीज ही पता कर पाए हैं। अगर कभी हम किसी वॉर्म होल को आइडेंटिफाई भी कर लें तो शायद इसमें ट्रेवल करना इतना आसान नहीं होगा। आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। किसी भी वॉर्म होल पर ट्रेवल करने के लिए हमें एक नए मैटर की आवश्यकता होगी, जिससे बने स्पेस शटल से शायद ही हम ट्रेवल कर सकें। अब तक की साइंटिफिक रिसर्च से हमें यह पता चला है कि यह मैटर कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद एंटी मैटर है, जिसे कि हम ब्लैक मैटर भी कहते हैं। यह ब्लैक मैटर हमारे आसपास मौजूद मैटर से काफ़ी अपोजिट वर्क करता है। जहाँ साधारण मैटर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होता है, वहीं ब्लैक मैटर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आने से दूर भागता चला जाता है। ब्लैक मैटर की इसी दूर भागने की प्रॉपर्टी के कारण ही वॉर्म होल में इसका उपयोग किया जा सकता है, जो हमें वॉर्म होल के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाने का काम करेगा। दिसंबर 2022 में कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ने जो वॉर्म होल बनाया है, वह एक सुपर क्वांटम कंप्यूटर के AI बेस्ड साइमो कैमर उपकरण के द्वारा बनाया गया। यह एक चिप पर बना क्वांटम ग्रेविटी बेस्ड वॉर्म होल है। इसे हम एक प्रोटोटाइप वॉर्म होल कह सकते हैं, जिसे कि वेबी वॉर्म होल कहा गया है। हाँ, यह बात सच है कि इससे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स सिग्नल भेजने की प्रैक्टिस की गई है, लेकिन हम इसे असली वॉर्म होल अभी नहीं मान सकते। यह महज एक प्रोटोटाइप है। आपने बहुत सारी मूवीज़ जैसे कि इंटरस्टेलर, एवेंजर्स और इवन होराइजन में टाइम ट्रेवल की घटनाओं को देखा होगा। ब्लैक होल का बनना कैसे पॉसिबल होगा, यह समझाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में सिमटा हुआ है। यह कहें कि वॉर्म होल के बारे में अब तक केवल हमें थ्योरी ही पता है, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज हम अभी तक ग्रेब नहीं कर पाए हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत करीब से वॉर्म होल के सच को दिखाती है। इन फ्यूचर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम वॉर्म होल के कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली से देख पाएंगे और शायद इसमें हम टाइम ट्रेवल भी कर पाएंगे। साइंस की पहेली ही कुछ ऐसी है, हम इसमें जितना डूबते जाते हैं यह उतनी ही रहस्यमयी होती जाती है, और हर बार इसकी कुछ परतें ही हमारे हाथ लगती है। इसकी एक और परत हम खोलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तब तक आप साथ में बने रहिए, और अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, लाइक कर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।